माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। महोदय, हजारों सालों से जब जब मनुष्य पृथ्वी पर आया है, सच और झूठ, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, यश और अपयश की लड़ाई हुई है, होती रहती है, होगी भी। जब सच अपना प्रभाव दिखाता है, ताकत में आता है, सच के अनुसार कार्य होते हैं तो सज्जू की तरफ जाते हैं, और जब सच कमजोर पड़ने लगता है, वह असत्य अधर्म की जीत होने लगती है, तो फिर मानव पर संकट आता है। मैं इन्हीं दो लाइनों से ये बात आपके माध्यम से सरकार को भी कहूँगा, और आपके माध्यम से मैं जो भी मेरी बात सुनेगा उसको ये कहने की कोशिश करूँगा। कहते हैं सच की जीत होती है, मैं इससे सहमत नहीं। जीत उसी की होगी जो योजनाबद्ध तरीके से सुगठित होकर ताकत के साथ लड़ेगा। मैं अकेला बैठा हूं, चार आदमी बैठे हैं, दो आदमी बंदूक लेके पिस्तौल लगा मार के चले गए, मैं तो मर गया, मेरी जीत कब होने वाली है? मैं इस पर माननीय कल्ला साहब विद्वान है, संस्कृत में और हिंदी के ज्ञाता है, मिले तो आइए करेंगे चर्चा, हम भी आपके भ्राता हैं। और यही हो रहा है आज भी। देखो, एक बात बताऊं, सत्यमेव जयते और सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आपने जहां तक कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पे संकट आता है, तो ऊपर वाला उतार लेता है। माननीय सभापति महोदय, जीवो और जीनो तो किसे कहते हैं? आप, मैं शास्त्रों में तो नहीं जाता, ज्यादा जानता नहीं हूं मैं, क्योंकि आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम ओनली डबल ई मीन्स डबल इलेवन। लेकिन मैंने मेरे जीवन को अनुभव के आधार पे जिया है। एक्सपीरियंस इज द बेटर देन नॉलेज। आप संतोष किसे कहते हैं? साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी दानी तपस्वी कहते हैं संतोष रखो, संतोष। तो मैंने पूछा समाराम जी को, अरे साहब वो संतोष है कहीं? को नींदी है, फलगट्टी है, पालो है, खड़ है, धान है कहीं? हाउ वी विल राइट व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन? संतोष है क्या? कई चीजें आज हमारे पास पड़ी है, हमने कभी उन पर ध्यान दिया नहीं। जीवो और जीने दो, ये कहावत चरितार्थ कैसे होती है? जीवो और जीने दो की कहावत भी अच्छे अच्छे लोग ये बता नहीं सकते कि इस कहावत को चरितार्थ कैसे करें। मैं अकेला बैठा हूं या चार आदमी बैठे हैं, दो अपराध प्रवृत्ति के लोग आए, अपराध करके चले गए, मार के चले गए, अब हम जीने वाले कब हैं? इसलिए इस पर भी मेरा सोच है, इस पर भी मेरा जो मैंने चिंतन और मंथन किया है। अगर आप निश्चित होकर बैठे हैं, अपने नियम कायदे धर्म के अनुसार जी रहे हैं, सच्चाई और अच्छाई के साथ जी रहे हैं, और आप पर किसी की बुरी नजर है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो सकती है, व्यापार के आधार पर हो सकती है, राजनीति के आधार पर हो सकती है, तो आपको उस पर नजर रखना है। अगर आपने आप अगर उसने आपको मार दिया या शरीर से खत्म कर दिया, फिर जीवोगे कैसे? पहले आपको जीना है, उसके बाद में जीना देना है। ये मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा इसमें मैं, लेकिन ये मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं आज भी कह रहा हूं, जब जब सत्य की ताकत बढ़ी है, जब जब सच्चाई समाज, राजनीति, व्यापार और हमारे सभी जगह अगर व्याप्त हुई है, तब तक हम कह सकते हैं कि सतयुग है। सतयुग और कलयुग, ये पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी यूं ऊंचा जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कब ऊपर जाते हैं। और जब जब असत्य की ताकत बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं सोचता हूं कि कलयुग आता है या आदमी दुखी होता है। अभिभाषण पे माननीय सदस्य
अभिभाषण पर। डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज बोलिए। भूल जाऊं फिर मैं। बोलो। चार साल में सरकार ने क्या किया? चार साल में सरकार ने क्या किया? चार साल में एक ही गुनाह करते रहे, धूल लगी चेहरे पर और शीशा साफ करते रहे। अपने दोषों को दूसरे राज्य से या दूसरों को तुलना करके अपनी गलतियों को छुपाना जनतंत्र में और प्रजातंत्र में हितकर नहीं है। बच भी जाओगे जमाने की नजरों से, लोगों को लूट लूट कर सजा जरूर पाओगे, वहां जब ऊपर जाओगे तो रोओगे फूट फूट कर। अब मैं ऐसी बात कहूंगा सदन में जो किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, बस चोर की दाढ़ी में तिनका है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा सभापति महोदय, हे पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे संविधान, हे प्रजातंत्र, हे लोकतंत्र, जिन लोगों ने, हजारों करोड़ों लोगों ने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उनको भी साक्ष्य मान के कह रहा हूं कि राजनीति में अच्छे और सच्चे वे लोग हैं, लेकिन मेरे दाता उनकी संख्या कम पड़ रही है, थोड़ी बढ़ाओ। जो राजनीति में अच्छे और सच्चे हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो अपनी सेवा नहीं करते, एक तपस्वी जीवन जीते हैं, उनकी संख्या बढ़ा मेरे दाता, उनकी संख्या बढ़ा मेरे प्रभु। और जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, बदले की भावना से राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, हे पिता परमेश्वर, उसको सद्बुद्धि दे दे, नहीं तो वो और बड़ा नुकसान करेगी। इसलिए ये उन लोगों के लिए है हम आज चुनकर आए हैं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ऐसे मार्ग चालिए, मेरा लिखा हुआ है, ऐसे मार्ग चालिए जिसमें कम हो भीड़, औरन को सुख दीजिए, खुद सह लीजिए पीड़। राजनीति ये है सच्चाई का ऐसा मार्ग। आज सच्चाई और अच्छाई के मार्ग में आप सबको पता है भीड़ कम है, बहुत ट्रैफिक खाली रहता है करीब करीब। इसलिए ऐसे मार्ग चालिए जिसमें कम हो भीड़, औरन को सुख दीजिए, खुद सह लीजिए पीड़। मैं अब टू द पॉइंट शब्दों पे, हमारी जो कार्यशैली है सभापति महोदय, लोगों की, आने वाले बच्चों की, युवाओं की हम पर नजर है, हमसे प्रेरणा ले रही है, हमसे सीखना चाहती है। मुझे कल किसी ने कहा कि जब सदन चलती है तो गांवों में अपराध कम क्यों होता है, तो मैंने कहा क्या क्या तरह क्या मतलब है, हम सारे इधर आ जाते हैं इसलिए कर रहे हैं क्या इस पर आप? ये सच है, सदन चलती है तो गांवों में अपराध कम इसलिए होता है कि प्रशासन सजग रहता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, चाहे उसने मजाक में ही कहा होगा कि एमएलए साहब, जब सदन चलती है तो गांव में अपराध कम होता है, इसका मतलब आप सारे एक जगह हो जाते हो ना? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, प्रशासन शासन सजग रहता है कि सदन चल रहा है, छोटी मोटी गलती नहीं हो। तो इस पर मैं आपसे यही कहूंगा, कोई भी सरकारी योजना चाहे विकास की है, मैं दावे के साथ कहता हूं, तब तक उस योजना को, कार्य को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सफल है या जनहित में है। कब तक? जब तक भ्रष्टाचार का उस पर भ्रष्टाचार लगाम नहीं लगता, तब तक हम किसी भी छोटी से छोटी योजना है, विकास की योजना है, उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें सफल हो गए या विकास हो गया। सभापति महोदय, शायद पहला अभिभाषण होगा राज्यपाल जी का जिसमें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस बताया, और सभापति महोदय, मैंने जीरो टॉलरेंस पर दो तीन बार चिंतन किया, सो गया मैं रात को 12 बजे उठ के, फिर मैंने कहा यार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार करने के लिए है या नहीं करने के लिए? आज एक भी ऐसी संस्था बता दीजिए, और आप जनप्रतिनिधि है सरकार के, आपको सबके लिए तो नहीं कह रहा हूं, आपको किस बात का डर है? मत करना मौज मरती मौज मस्ती, राजस्थान नहीं आपका घर है, एक दिन यहां से हमें भी
शायद मैं दोबारा आऊं नहीं आऊं, लेकिन आप में हम पे यह विश्वास होना चाहिए कि हमने जो किया है हमारी आत्मा को साक्षी मान के किया है। इसलिए भ्रष्टाचार के और कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा तालमेल हो रहा है। माननीय, जब कानून व्यवस्था शिथिल होगी, कानून व्यवस्था कमजोर पड़ेगी, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और जब भ्रष्टाचारी या कोई लुटेरा या कोई रिश्वतखोर कमीशनखोर अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से धन इकट्ठा करके अगर वो ताकत और मजबूत होता है तो लोग उनका भी अनुसरण करेंगे। तो जब जब कभी भ्रष्टाचार बढ़ता है तो कानून को प्रभावित करता है, और जब कानून कभी कमजोर पड़ता है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। मैं ईश्वर साक्षी महात्मा कह रहा हूं, मैं ये कभी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उनसे जबरदस्ती बुलवाया जाता होगा। आप कह रहे हो बहुत अच्छा, आपने भी कल परसों एक दो आदमी ने तो कहा है, वो तो एक दो माननीय विद्वान सदस्य ने तो कहा है कि ये ठीक नहीं है। आप शायद आप दो ढाई साल पहले वहां से बोलते तो ये जो ढाई दो साल का वक्त इसमें कहीं उठापटक हुए हैं, कहीं सही कार्य नहीं हुए तो हमको मौका पहला मिल जाता। तो एक तो मैं ये कह रहा हूं भ्रष्टाचार के और कानून व्यवस्था में जो तालमेल है एक दूसरे से प्रभावित हो रही है, आप उनमें ध्यान रखिए। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों में अगर मिलावट है तो फिर स्वास्थ्य का मतलब ही नहीं है। आज आप इस बात का ध्यान कीजिए, गांव में जाते हम भी, 10 में 8 मौतें हृदय की घात की वजह से हो रही है, 10 में 8, और फिर 2 कैंसर की वजह से। कारण क्या है? कोई कोरोना का प्रभाव है या खाद्य पदार्थ है या लोग चाय पीते हैं। मैं मना करता हूं कि चाय में चीनी कम लिया करो। आज आप किसी की जांच कीजिए, शुगर मिलेगा ज्यादा। इसलिए बड़ा दुख होता है कि आज चाहे गरीब से गरीब हो, पैसे वाला हो, आज हम शुद्ध पदार्थ खाने और पीने के लिए प्राप्त नहीं करते। मैं आज डॉक्टर साहब कहता है माननीय सभापति मोदी कि आप सलाद खाइए, अगर नहीं मरने वाला तो सलाद खा के 2-3 महीने में बीमार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए आगे कौन आगे ऐसा हमारा बचाव करेगा जो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। इसलिए जिस तरह से स्वास्थ्य के और मिलावट के बीच में भी एक तालमेल है, अगर हम मिलावटी चीजें या अशुद्ध चीजें खाएंगे या जिसमें रासायनिक खाद दी हुई चीजें ज्यादा खाएंगे तो फिर हम चाहे कितने ही डॉक्टर लगाओ। तो एक तो स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कह दूंगा, हॉस्पिटल जहां जहां है बीच बीच में मेरी बात कह दूं, ताकि मुझे क्षेत्र के लोग कहे कि केवल गाना या भजन सुना के तो नहीं आया है। क्योंकि मैं जब खड़ा होता हूं, मैं जब खड़ा होता हूं तो लोग आशा रखते हैं कि मैं गायक हूं। हाँ, मुझे खुशी है कि मैं गायक हूं, और जब जरूरत पड़ती है तो गाता हूं। मेरे लिए बदले गए हैं या वक्त ने बदला है? माननीय बोल रहा हूँ, वो बेघाइटा दोनों में कौन सुने कौन नहीं सुने, तो वे कहते मैंने नहीं सुना, वे कहते मैं कौन सुनिया, तो मैं तो हूँ जाट, समय वो लेंगे अपने आप बांट। तो सभापति महोदय, एक एक शब्द बोलूँ तो जैसे सरकारी अस्पतालों में न तो पूरे डॉक्टर है, और मैं बोल रहा हूँ जो आप भी जानते हैं, इसमें हम 4 साल तक आपका झगड़ा भी हो सकता है आपस में, लेकिन परिवार का झगड़ा हो तो पड़ोसियों को नुकसान होता है। आपके झगड़े से, सरकार के झगड़े से राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। माननीय, इसमें शायद आप भी सुखी नहीं है। आप अपनी आत्मा से कह दीजिए कभी कि आपके 4 साल के हमारा इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। जैसे खासतौर मेरे जैसे आदमी का तो नहीं, मेरा राजनीति कोई पद इतना बड़ा भी नहीं है, आपके गिरने से मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा, शिक्षा में मैं सिर्फ
सभापति महोदय, 4 साल में सिर्फ एक ही बार कुछ अध्यापकों की बदली के कुछ कागज लेके माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला था और मैंने लोगों को कहा कि 5-7 दिन में अपने अध्यापक लग जाएंगे। उनको सिर्फ 5-6 महीने हुए, फिर लोगों ने कहा यार तू बीजेपी में तेरी चलती तो है नहीं, और वो अभी तक नहीं लगे। इसका नुकसान तो जनता को ही होना, मेरा तो क्या है, कोई दोबारा कोई नहीं। हाँ, बिजली के मामले में इतना कह रहा हूँ कि बिजली में आप भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। और बिजली किसानों को एक ताज्जुब की बात है, किसान रात की 12-1-2 बजे उस फसल में खड़े होकर देखिए आप। बच्चों की पढ़ाई के मामले में माननीय सभापति महोदय, जो ही शाम होती है और फोन आता है, अब वो कहते हैं जी शाम को क्यों काटते हैं, एक्शन साहब को कहते हैं तो कहते हैं लोड शाम को ही पड़ता है। अब वो पी के कुछ दवाई लेके भी बात कर लेते हैं, अब की तरह देख ले। अरे मैं क्यों, तू हाल मारो टिकट ही फाइनल को नहीं, मन कटू देख ले तू। तो ये अजीब अजीब की बातें सुन, मैं आत्मा से कह रहा हूं 4 साल में जितना लोगों का ओड़वा सुना है या उनके क्या कह सकते हैं, अब सब सुने हैं, बहुत मुश्किल से धैर्य से सुन पाते हैं। हम जनप्रतिनिधियों का कम से कम इतना तो फर्ज होता है कि हमें सुनना चाहिए, और वो कभी क्या बोल जाते कभी क्या, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। तो माननीय सभापति महोदय, बिजली के मामले में मैं जितना कहूँ, मेरा अभी मेरा विद्वान साथी रामस्वरूप भाई सारा लिखकर बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक एक चीज़ बता दी बिजली में, न तो बिजली आती है और तार टूटे पड़े हैं, और कब आती है कब जाती है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। आजकल सभापति महोदय, हर गांव में बिलावणु है, चक्की है, पानी की मोटर है। लोग कहते हैं कि बिजली 2 घंटे काटो, जबकि मैं कह रहा हूं आज का आदमी, हर आदमी आज बिजली पर निर्भर है, आश्रित है। और मैं समझता हूं ये सरकार, ये कांग्रेस सरकार, ये आपकी सरकार बिजली के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित रही, सबसे ज्यादा आपने जनता को दुखी किया। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था तो इस कदर कमजोर पड़ गई, लिखने वाले थाने में लिखते हैं अपराधियों में डर, और हो उल्टा रहा है अपराधी मौज मस्ती। मैं कह रहा हूं जिस दिन या जिस राज्य में या जिस वक्त आप माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के या भ्रष्ट प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधि और अधिकारी, माननीय सभापति, इन तीन का जब गठजोड़ हो जाता है तो फिर जनता के लिए बचने का कोई साधन नहीं रहता है। आज ज्यादातर इनका गठजोड़ हो रहा है माफियाओं का और ये भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों का जो गठजोड़ हो रहा है ना, ये गठजोड़ खतरनाक है। ठीक है, अब कभी कभी आप उधर से कहते हो, हमारी कोई बात होती है, जैसे हमारे विद्वान साथी राजेंद्र जी एक अच्छे बोलते हैं, तो आप उनके कहते हो कि आप गरेबान में झांकिए। इसका मतलब ये गरेबान में झांकते जामते 5-5 साल बदल कर जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे हम। हमारी कुछ न कुछ गरेबान में कमी रही होगी, और आपने तय कर लिया कि आपकी गरेबान में कमजोर है तो हम उधर। हमारे दोषों से बचने के लिए आज जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी सरकार की है, और इसको अगर आप नेगेटिव में लेते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो आरोप लगा देते हैं कि अपनी आप गिरेबान में झांकी है। गाना के लिए कोई अलग से कोई प्रोग्राम रखो ना। मैं खनन विभाग की कुछ 1-2 बात कहूंगा। खनन विभाग में जिस तरह नए अलॉटमेंट को लेकर, जिस तरह से बंदरबांट होती है, जिस तरह से लाखों रुपए रिश्वत देने के बाद में भी आप जांच करा लीजिए, और जांच क्या आप पता ही है वो तो कहां से कहां जाता है। मैं विधायक होने के साथ साथ मेरे सामने माननीय 1-2 मंत्री जी भी बैठे हैं, और हमने महसूस किया है कि भाई ये लोग इतने मजबूत हो गए। ये बहन बताऊं ना, मेरा एक सोच भी अलग से है। लोग यहां कहते हैं बेईमान और ईमानदारों फर्क आती है। एक आदमी झूठ कपट बेईमानी करके अवैध तरीके से खूब डंडबैठक, खूब बादाम पिस्ता खाकर डंडबैठक लगाता है, एक बेचारा ईमानदारी से बिल्कुल भूखा बैठा है। अब कुश्ती होगी तो जीतने की संभावना उसी की होगी। 2 मिनट समाप्त करें वाणी से, समाप्त करें 2 मिनट में जवाब मैं दे 2 मिनट में माननीय सदस्य, 2 मिनट में समाप्त करें। बैठ माननीय, मैं ये बताऊं बाकी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, 2 मिनट में और बोल दूं मैं। बोलोगे
खनन विभाग की जो मैंने बात बताई उसमें भी जांच हो। दूसरा आपसे मैं ये आशा रखूंगा कि पानी है, बिजली है, सड़कों में है, सड़कों में सभापति महोदय जब ट्यूबवेल हम हमारे घर में ट्यूबवेल 6-7 लाख में खोद लेते हैं तो उसके 20-20 लाख मंजूर हो जाते हैं। मैंने जाके कहा बड़े अधिकारियों से कि आप इतना क्यों करते हो, गए ये हमारा वो गाइडलाइन है तो ये इसकी भी जांच करो आप कि इतने पैसे जाते कहाँ हैं, ये पैसे तो गरीब जनता के हैं। दूसरा सड़क के मामले में बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आज सीमेंट की सड़क जिसमें 2-1.5 का मसाला है उसमें भी आप 6 साल का गारंटी देते हो। अरे ऐसी सड़कें हैं जो आज भाखड़ा बांध का मसाला है वो आज तक नहीं टूटा, तो सड़कें हमारे मैंने कहा पहले मकरणे में एक ऐसी सड़क बनी है जो 20 साल पहले बनी थी और आज तक भी वो ऐसी है। मैं शिक्षा के मुद्दे में लेकर एक बात, राजकीय कृषि महाविद्यालय मोलासर को उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर कृषि विभाग के अधीन करने के बाबत कृषि छात्र छात्राएं 11 दिन से धरना दे रहे हैं जिनमें 5-7 छात्रों की और बच्चियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ा है, इस पर थोड़ा आप ध्यान देवे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई लाइन भूल गया हूँ तो बाद में कह दूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, श्रीमती शोभा।